हाय गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फैट बर्नर सप्लीमेंट बहुत से लोग फैट बर्नर ये नाम सुन के ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और विदाउट गिविंग अ सेकेंड वो ये सप्लीमेंट पिल्स ले लेते हैं कंज्यूम कर लेते हैं मेरा उन सभी लोगों से पहला सवाल ये है क्या आपको पता है फैट बर्नर लेने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर नहीं पता तो आई मेन्शन फ्यू ऑफ द साइड इफेक्ट्स उसमें से एक है कि आप बहुत बेचैन यू विल गेट रेस्टलेस है ना रेस्टलेस होने के कारण यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली थ्रू आउट द डे आपकी ब्रीदिंग पैटर्न जो रहेगा वो चेंज होती रहेगी नंबर टू आपका हार्ट रेट बढ़ेगा इट विल बी एबनॉर्मल हार्ट रेट रात को नींद नहीं आएगी यू विल बी रेस्टलेस अगेन एट नाइट टाइम्स ऑल्सो नंबर फोर चांसेज ऑफ हैविंग हार्ट स्ट्रोक या फिर आपको आर्टरी डिजीज भी हो सकती है ये सारे साइड इफेक्ट्स है फैट बर्नर लेने के फैट बर्नर अननेचुरल तरीके से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है और उसकी वजह से कुछ वेट कम हो जाता है बट ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप ये पिल स्टॉप कर दोगे तो आपका वेट जो है वो बाउंस बैक हो जाएगा मेरा ये सभी लोगों को सजेशन suggest, है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग फैट बनर सप्लीमेंट्स अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो और आप एक बैलेंस डाइट फॉलो करते हो तो विद इन अ पीरियड ऑफ फोर टू सिक्स वीक्स आई एम वेरी मच श्योर यूल स्टार्ट श्रेडिंग ऑर बॉडी फैट परसेंटेज तो ऐसे सप्लीमेंट्स का नाम सुन के लेके आपकी हेल्थ को रिस्क डाल रिस्क पर डालने का कोई मतलब नहीं है इट इज ऑलवेज Better to be safe and then try to focus on your goal. So, if you taking fat burners, please do stop and find natural ways to lose your body fat and body weight. Thank you very much.